हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो पर्पस है वो खास तौर पर जिन बच्चों के एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ जाते हैं और उनको लगता है कि टाइम अब इतना शॉर्ट रह गया, पानी सर के ऊपर से गुजरना शुरू हो चुका है, अब कैसे मैनेज करें, मतलब रास्ता कहाँ से हमें कोई दिखाए कि हम उस रास्ते पर चलें पर कोई रास्ता तो नजर आए। तो कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि बच्चों के कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं कि अगर आज से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। तो मैंने कल उस वीडियो में बोला था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आगे के लिए गाइड करूंगा। तो बस समझ लो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ गाइड करने वाला हूं। लेकिन एक चीज है, अगर आपके पास तसल्ली के साथ इस वीडियो को बैठ कर देखने का टाइम है तो आप इसको अभी देखो, अदरवाइज आप सेट कर लो कि कब आप फ्री हो। लेकिन मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनना, पूरा एंड तक। चीज बिल्कुल आपके काम की 100% प्रैक्टिकल होने जा रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं सबसे पहले आपको एक जरूरी मैसेज देना चाहूंगा कि देखो, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूं, एक तो ये कंटेंट मैंने पूरा दिल लगाकर आपके लिए सोचा है कि इसमें क्या ऐसी बात हो। देखो, मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त पर आकर मोटिवेशन का एक बड़ा रोल होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं ना आपकी, जब मैं ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम में फंस जाता हूं, टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है, काम मैंने कोई बड़ा पकड़ लिया होता है, मैंने देखा है कि जब कोई आपको मोटिवेट करता है ना, तो वो मुझे मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब आप इसको नेगेटिव वे में कभी मत लेना, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे ऐसे लगता है कि जो बंदा मोटिवेट कर रहा है वो दुनिया की सारी बातें तो सुना रहा होता है, लेकिन मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि चल यार, तूने मोटिवेट कर लिया ना, चल अब मेरे साथ, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसमें बता मैं क्या करूं अब। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तब असली रोल आएगा कि मोटिवेशन में हम एक बंद रूम में बैठकर एक स्टोरी सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हाँ हमने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन अगर वो बंद रूम वाली स्टोरी अपने घर पे आके अपने काम पर अप्लाई कैसे करनी है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो आज मैंने खास तौर पर इस वीडियो का पर्पज ये रखा है कि छोड़ दें जरा थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन को, प्रैक्टिकली बात करते हैं कि टाइम वाकई शॉर्ट रह गया है, 20-25 दिन मुश्किल से हाथ में बचे हैं, हर तरफ मारो मारी पड़ी हुई है, कैसे करें कैसे करें। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ के क्या करना है। तो पूरा प्रैक्टिकल कंटेंट मैं आपके लिए इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं स्टडी विंडो में, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि जो जो हमारे पास, देखिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो होता है टाइम का। अगर मैं बोलूं कि टाइम अभी हमारे पास 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, तो मुझे पता है सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, अपने आप सब कुछ स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, टाइम है, थोड़ा प्रॉपरली मैनेज करते हैं। अब क्या है, सिलेबस ज्यादा है, चैप्टर ज्यादा है, 2-3 चैप्टर को अच्छे तरीके से करें या सबको मिक्स करके ऊपर ऊपर से देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं। लेकिन सबसे पहले पहले प्रेशर को साइड पे करते हैं कि जो टाइम का प्रेशर है कि टाइम हमारे पास कम है। देखिए, अभी भी हम बहुत कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ तो खास करना पड़ेगा ना। एक वो बच्चे हैं जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर हिस्ट्री बनाते हैं, शायद हम उनमें आए कहीं ना कहीं कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में हमने प्रेशर में सब कुछ मैनेज किया फिर भी क्लियर कर गए। तो देखिए, मैंने ये पहले एक बार वीडियो डाला था ऐसे इसके साथ सेट करके, लेकिन इस वक्त ये जरूरत है दोबारा डिस्कस करने की। अगर देखो आप स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारी कैलकुलेशन चल रही है कि हमारे पास अगर 8 अक्टूबर से मैं काउंट करूं, मतलब आज 7 अक्टूबर जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, 8 अक्टूबर से अगर मैं काउंट करूं तो हमारे पास, आप डेज जरा देखो कि हमारे पास जो दिन रह रहे हैं पढ़ने के लिए, वो आप देखो कि मैं इसको काउंट कर रहा हूं, अगर फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे हैं तो अगर हम इसको 31 अक्टूबर तक लें तो 24 डेज आपको देखो यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं 1 नवंबर तक ले लूं, जैसे इंटर वाले बच्चे हैं, तो 25 डेज हैं। अगर ग्रुप टू वाले बच्चों की बात करें तो थोड़ा आगे चले जाते हैं, पेपर 8-9 नवंबर के आसपास जाकर स्टार्ट होने, तो मैं 32 डेज मान रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस प्लान में, इस स्ट्रेटजी में, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, देखिए ये मैंने एक बार वीडियो डाली थी, हमारे पास जो चीज जितनी ज्यादा होती है हम उसको उतनी वेस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास एक दिन 24 घंटे का है तो हम सारी प्लानिंग में 24 घंटे को सोचकर चलते हैं कि 24 घंटे में क्या करना है। तोड़ दो उस 24 घंटे को दो पार्ट में तोड़ने के बाद क्या होगा, मैं आपको प्रॉपरली यहां पर दिखाता हूं कैलकुलेशन के साथ। अगर मैं अपने उस टाइम को दो पार्ट में तोड़ दूं, आप यहां पर देखिए, जैसे 8 अक्टूबर हमारा स्टार्ट होगा तो मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, डे 1 और डे 2। इसका मतलब
नेक्स्ट 9 अक्टूबर हमारा डे 3 और डे 4। अभी दो पार्ट में क्या, मेरा जो दिन है वो 24 घंटे का नहीं है, मेरा दिन है 12 घंटे का। इसका मतलब 12 घंटे का और 12 घंटे का, एक दिन में मेरे पास दो दिन हो गए। अगर एक दिन में मेरे पास दो दिन हो गए तो अभी हमने काउंट किया था हमारे पास एंड तक टोटल कितने दिन आ रहे थे। चलो मान लेते हैं कि हम ग्रुप वन वाले बच्चे हैं या बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं, तो 24 या चलो 25 मान लो, 50 दिन हो गए हमारे पास। इसका मतलब ग्रुप टू वाले बच्चों के पास तो 64 डेज राउंड अबाउट निकल रहे हैं, तो 50 दिन है हमारे पास। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, पूरी प्रैक्टिकली बात करूंगा। पहले तो माइंड को रिलैक्स करो, हमारे पास 50 दिन है आज पढ़ने के लिए। अब 50 दिन कैसे यूज करने हैं, सबसे पहले तो जो हमने हर डे को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डे 1 और डे 2, अब ये मानकर चलो कि जो हमारा एक पार्ट है उसमें तो हमारे पास पूरे 12 घंटे अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ना है हमारे पास 12 घंटे का एक पार्ट है। दूसरा जो डे का दूसरा पार्ट है, डे 2 जिसको मानकर चल रहे हैं, उसमें 6 घंटे जो हमने कह लो अपने सोने के निकालने, वो पहले ही मैंने साइड पे कर दिए हैं। इसका मतलब डे 2 में हमारे पास 6 घंटे। अब देखिए, अब सीधा सीधा सोच लो, हमारे पास 50 दिन है, एक दिन हमारा होता है 12 घंटे का, दूसरा दिन हमारा होता है 6 घंटे का, बाकी सब कुछ माइंड से निकाल दो। 50 दिन है हमारे पास, एक दिन हमारे पास 12 घंटे का है, दूसरा दिन हमारे पास 6 घंटे का है। ये जो साइड वाले डेज हैं यहां पर जो एक्चुअल हैं, ठीक है, उसको एक तरफ थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, लेकिन जब हम काम करना शुरू करेंगे तो इनको भूल जाएंगे। हमारे पास ये डेज काउंटर चलेगा, मेरे पास 50 दिन है। अब माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, अगर 50 दिन है, हमने अपने काम को 50 दिन में पूरा करना है, तो सबसे पहले तो देखो यहां पर हमने क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी है। एक मसला तो हमारा सॉल्व हो गया, टाइम का प्रेशर। मेरे पास 50 दिन आगे भाई, तो टाइम का प्रेशर कहां से है, कहां मैं अभी 20-25 दिन में सोच रहा, तो मेरे पास तो 50 दिन आगे। अब वो 50 दिन में मैंने करना क्या है, देखिए सब कुछ मैं इस वीडियो में उल्टा कर रहा हूं, आप भी सोचोगे कि कहां कहां से क्या क्या सोची जा रहा हूं, मैं भी सब कुछ उल्टा कर दिया मैंने। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं हर डे में चैप्टर को सेट करो, जो नॉर्मली प्लानिंग होती है कि इस दिन में ये चैप्टर होना चाहिए, इस दिन में ये चैप्टर होना चाहिए। मैंने इसको भी उल्टा दिया है। देखो इसको कैसे उल्टाना है, आपने डेज में चैप्टर को एडजस्ट नहीं करना, अब चैप्टर से रिवर्स चलो, चैप्टर को इस हिसाब से देखो। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं इस चीज को भी, तो मैं आपको ये चैप्टर के नाम, जैसे मान लो अभी ये, जैसे मैंने आपको पता ही है कि हमने एनालाइजर निकाले थे जिसमें पास्ट 3 अटेम्प्ट के प्रॉपरली क्वेश्चन को एनालाइज किया हुआ है, कि क्वेश्चन नंबर वाइज सॉर्टिंग की हुई है, और इसमें से मैं जस्ट इसको यूज करने लगा हूं चैप्टर के नाम के लिए। तो आप देखो कि यहां पर अगर मैं ये देखूं, ये आईडीटी का सीए फाइनल का चैप्टर की लिस्ट है, 24 चैप्टर हमारे पास जैसे नजर आ रहे हैं, उसके बाद 15 चैप्टर हमारे पास नजर आ रहे हैं जो कस्टम है, बाकी 24 आईडीटी के। ये जस्ट एग्जांपल ले लो, अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 30 चैप्टर हैं, अगर 30 चैप्टर जस्ट फॉर एग्जांपल है, 30 चैप्टर हमारे पास हैं, इसका मतलब हमने क्या करना है, थोड़ी सी सेटिंग इस हिसाब से कर लो, वो जो 30 चैप्टर्स हैं हमने कवर करने हैं 50 डेज में। 50 डेज में से आप ऐसे करो, लास्ट वाले जो 3-4-5 दिन आप छोड़ना चाहते हो वो आप छोड़ दो फर्स्ट पेपर के लिए, तो 3-4-5 दिन भी जहां पर आप देखो क्या है। अब चीज मजे वाली ये देखो, आप सोचोगे 3-4-5 दिन छोड़ने, मतलब मैं कह लो कि किस दिन से पढ़ना छोड़ दूं, मैं 27 से पढ़ना छोड़ दूं या मैं 25 से पढ़ना छोड़ दूं। अगर आप इस हिसाब से जो 2-2 दिन का मैंने पार्ट सेट किया है, इस हिसाब से अगर आप 4 दिन ही रखना चाहते हो ना, 4 दिन मान लो हमारे 1 नवंबर से पेपर है, तो यहां पर 2 दिन हमारे ये हो गए, देखो आप 2 दिन ये, इसका मतलब 4 दिन अगर हमने छोड़ने हैं, तो फिर तो हमने कहां से अपना जो टाइम काउंट किया, आप देखो कि अगर यहां से मैं लेकर चल रहा हूं, फिर तो इसका मतलब हमने 30 और 31 को छोड़ा सिर्फ। अब माइंड में देखो कि कितना बड़ा इस चीज के साथ हमारा जो है वो मैसेज चला जाता है, कि अगर मैं छोड़ रहा हूं 4 दिन, तो बेसिकली सिर्फ 2 दिन की गेम है जो मैं छोड़ रहा हूं प्रैक्टिकली, तो इसको आपने 4 दिन के बराबर यूज कर लेना, ये जस्ट माइंड को मैसेज देने की बात है। तो अगर मैं 6 दिन चाहता हूं, तो प्रैक्टिकली मैंने कितने दिन छोड़े वहां पर, सिर्फ 29 से। इसका मतलब 28 तक तो हम कम से कम यूज कर सकते हैं, 28 से भी ले लो अगर, चलो यहां पर हमारा एक एवरेज कंक्लूजन निकल आया 42 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, 42 डेज जो हैं वो हमारे पास हाथ में अवेलेबल हैं अभी भी नेट, लास्ट ग्रुप वन का पेपर निकालने के लिए। ग्रुप टू वाले बच्चे तो और भी खुश हो जाएं, आपके पास तो कम से कम नहीं 8-10-15 दिन और ज्यादा होंगे, तो जस्ट एक समझ लो एग्जाम्पल को, 42 डेज अगर हमारे पास यहां पर है, तो हमने क्या करना है कि अपने जितना भी हमारे, जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट को अगर आप, मैं तो ये बोलूंगा इस टाइम पर आकर,
सब कुछ उठा लो, मैनेज करके चलो थोड़ा। अगर मैं चार सब्जेक्ट को, चलो 42 डेज में से भी अगर मैं कहता हूं कि हम ऐसे करते हैं कि 6 दिन छोड़ देते हैं बीच में, अगर मैं 6 दिन छोड़ दूं, हमारे पास जो भी बैलेंस बचेगा यहां पर आकर, तो जैसे यहां पर चलो मान लो हमारे पास 36 डेज बच गए हमारे पास बैलेंस हाथ में, तो हमने क्या करना है। अगर हमारे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी दो ग्रुप वाले बच्चे बोलेंगे हम क्या करें, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हमारे चार सब्जेक्ट हैं, अगर हमारे चार सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट में मान लो आपके 30 चैप्टर हैं, तो हर सब्जेक्ट में तो 30 चैप्टर होते नहीं है, किसी में आपके 16 चैप्टर होंगे, शायद किसी में आपके 20 चैप्टर होंगे, तो आप चैप्टर्स को इक्वलेंट 36 करने की कोशिश करो। तो यहां पर चैप्टर्स को इक्वलेंट 36 करने का मतलब क्या है कि मान लो अगर मेरे सिलेबस में 16 चैप्टर हैं, उसमें बड़े चैप्टर भी होंगे, तो जो बड़े चैप्टर हैं कौन से चैप्टर को आप 2 दिन में कवर करना चाहते हो, 3 में कवर करना चाहते हो, 4 में कवर करना चाहते हो, उसके डेज बढ़ जाएंगे। मतलब 16 को इक्वलेंट कर दो आप 36 डेज, जिस चैप्टर जिसके 30 हैं उसको उस हिसाब से इक्वलेंट कर दो, जिसके 20 हैं उसको उस हिसाब से इक्वलेंट कर दो, तो क्या होगा, हर डे में आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। वो डिवाइड होने के बाद आपको एक मोटा मोटा जो एक सॉर्टिंग करके एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा इस चीज के लिए, इस चैप्टर के मेरे पास इतना ही टाइम है। अब सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात, जब आपको यह पता चलेगा कि इस चीज के लिए मेरे पास इतना ही टाइम है, यहां पर आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए अभी हमें पता है कि फिर भी 20-25 दिन है, अगर हम एक्चुअल वे में भी सोचें, अब जरा सोचो जो एक छुट्टी आती है पेपर में, उस दिन हमारी क्या हालत होती है, जिस दिन तो पेपर देकर आते हैं मजे से 3-4 चैप्टर को लेकर बैठे रहते हैं डिटेल में पढ़ना, अगले दिन देखते हैं आफ्टरनून के बाद कि चैप्टर पढ़े हैं 15 और घंटे हमारे पास बहुत ही कम रह गए हैं, फिर क्या होता है कि जो चैप्टर आया एक टाइम सेट कर देते हैं, चल भाई तेरे को 2 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता मैं, अगला चैप्टर भी करना है, चल भाई तेरे को तो 1 घंटा ही मिलेगा, तू छोटा चैप्टर है, स्टैंडर्ड्स को तो रात को बैठ के पढ़ लूंगा, करते हैं ना ऐसा। फिर भी देखो फाइनली एंड पर इस चीज को, फाइनली सोल्यूशन पर पहुंचते हैं ना, इस चैप्टर को इतना घंटे से ज्यादा नहीं देना, तो इसका मतलब अगर सबसे पहले यह सेट किया इस चैप्टर को इतना टाइम, इससे ज्यादा मैं नहीं अलॉट कर सकता, तो जब वो टाइम अलॉट हो गया, तो टाइम अलॉट होने के बाद अब क्वेश्चन आया कि वो चैप्टर कितना किया जाए। अब देखो कहां से स्टोरी कहां तक आ गई, जहां तक मैं अब एक्चुअल सोल्यूशन में जा रहा हूं, जब टाइम अलॉट हो गया तो उसके बाद ये स्टोरी यहां तक पहुंची कि अगर मेरे इस चैप्टर को, मान लो आपका इनकम टैक्स का बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर जो हेड है वो बड़ा हेड है, चाहे फाइनल वाले बच्चे इंटर वाले बच्चे सबको पता है, अगर वो हेड है हमारा, तो ये स्टोरी आ गई इस हेड की, तो 42 डेज के हिसाब से तो मेरे ख्याल से आप उसको 2 दिन या 3 दिन या 36 भी अगर हमने निकाले हैं, तो मान लो हमने 3 दिन रख लिए उसको, तो अगर 3 दिन मैं उसको दे रहा हूं अपने इस हिसाब से, तो आप जरा सोचो 3 दिन में हमें फाइनली वाइंड अप करना ही करना है उसको, जो मर्जी कर लो, तो वहां पर देखना वो दिन में जाकर आप चाहे उसको सोच लो, अभी एडवांस में इतना लंबा चौड़ा अभी प्लान चाहे ना करो क्योंकि हमने बहुत कुछ हिला दिया है, तो उसके साथ क्या होगा आपको खुद पता होगा कि अभी इतने टाइम में इस चैप्टर का क्या क्या देख पाऊंगा, कि मैं पास 3-4 फटाफट पेपर को, इस चाहे क्वेश्चन ना देखो पूरे पूरे, सिर्फ इस पर्पस के लिए देख लो कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ा एक हिंट देता हूं, एक आपको आइडिया देता हूं, जैसे हमारे देखो, जैसे मैं आपको एनालाइजर से चलो एक एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे एनालाइजर बाय कर चुके हैं वो यूज कर रहे हैं उनको भी एक ये पता चलेगा, देखिए यहां पर जैसे ये जो कस्टम वाला पार्ट है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि चलो कुछ चैप्टर तो डिलीट भी हुए हैं, मैंने रेड लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी मुझे ये इसलिए डालने पड़े थे क्योंकि जो पहले पेपर आए हुए हैं उसके तो मैंने चैप्टर को सेट करना ही था कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से आया था, तो हम देख सकते हैं कि कुछ चैप्टर में से जो पेपर है वो बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसी हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर को कितना टाइम देना है या कितना टाइम नहीं देना है, कि कैसे डिवोट करूं, तो ये चीज हमें मतलब एक आइडिया लग जाता है कि इसको हमने 2 दिन रखने हैं, इसको हमने 3 दिन रखने हैं, कितना टाइम इस चीज को डिवोट किया जाए, तो ये जो एक आइडिया है ना, ये मेरे ख्याल से आपका जो है, आप उस दिन पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा इस जो चैप्टर में इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ पहले वो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं आपको, यहां पर ये बोलने लगा था कि वो जो क्वेश्चन आप उठाओगे, जो चैप्टर, जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर सीए फाइनल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पेनल्टीज हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं, जो ऐसे पीछे जाकर, या हम कह लें कि असेसमेंट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, वो आप देखोगे नॉर्मली पास पेपर में नॉर्मली जो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, मतलब यहां पर मैं परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ज्यादा मानकर चलूंगा कि वो नॉर्मली स्टडी में से एज इट इज उठाए जाते हैं, तो आपको उन चैप्टर में, अभी हम
मेनली पास होने का टारगेट रख रहे हैं कि हमने क्लियर करना है, तो हम ज्यादा सर्च में इन डेप्थ स्टडी में जाने की बजाय अगर उनके बेटर है जस्ट एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ के कर जाएं, एक तो हमारा चैप्टर जल्दी कवर हो जाएगा, दूसरा हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चैप्टर हम छोड़ने का सोच रहे थे हमने कम से कम स्टडी में चार एग्जाम्पल दी थी वो तो कर ली है ना, उसमें से इससे ज्यादा तो टाइम भी नहीं है नेगेटिव थिंकिंग में मिल जाओ। जस्ट क्या है कि ठीक है जितना टाइम था उसमें ये मैं कर सकता था, छह क्वेश्चन दिए थे वो कर सकता था, वो कर लिए, अब पेपर में देखते हैं जाकर क्या होगा। तो ये कॉन्फिडेंस बनाकर रखने का एक बहुत बड़ा एक वे है जो आपको यूज करना चाहिए। अगर आप ये कॉन्फिडेंस बनाकर रखोगे और जो मैंने आपको ये शेड्यूल दिखाया, जैसे आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूं कि आप किस वे से चलो, अगर आप इस वे से मेरी बात को मानकर चलो तो ये चीज आपको अभी भी इस वक्त भी हो सकता है आप हिस्ट्री क्रिएट कर दो। तो मेरी बात को मेरे ख्याल से आप मैच्योर लेवल से समझोगे। और हाँ, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी, देखो मैं भी कोशिश करता हूं कि एक एक यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको और मैसेज देता हूं, वीडियो को भी ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, कि ये मत सोचना आपको जहां पर बहुत लोग ऐसे भी कहने वाले आ जाएंगे क्या फायदा ऐसे आइडिया लगा लगा कर इंपॉर्टेंट चीजें निकालकर सीए करने का बाद में क्या करोगे। तो यहां पर आप उनको ये जवाब देना कि एक डॉक्टर अगर एक पेशेंट का मान लो बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, वो डॉक्टर सबसे पहले उसको बचाएगा या वो ये सोचेगा कि यार इसकी हड्डी पसलियां तो अब टूट चुकी हैं, ये ठीक से चल भी नहीं पाएगा, छोड़ो मरने दो इसको। आप सोचो वहां पर उसका जवाब क्या होगा, कि पेशेंट को बचाना जरूरी है, पहले ही वो सोचना जरूरी है कि हड्डी पसली। तो काम तो आप एक बार क्लियर कर जाओ, उसके बाद जितना मर्जी सीखते रहना, जितने मर्जी बुक्स दोबारा लॉजिक वाइज पढ़ते रहना। फिलहाल अगर हमारी ये पोजीशन हो गई है तो कम से कम बचने की तो कोशिश करें। इसी वजह से मैं आपके लिए ये आइडियाज ट्रिक्स, मेरे पास माइंड में और भी बहुत सारे हैं, इतने मैं इतना प्लानिंग को लेकर स्टडी कर चुका हूं, मेरे ख्याल से सीए बनने के बाद इस फील्ड में मैंने इतनी स्टडी कर ली है प्लानिंग को लेकर, और मुझे मजा आता है कि अब हाँ यार किसी की प्रॉब्लम तो आए मैं देखता हूं कि कैसे सॉल्व नहीं होगी। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, आइडिया और बहुत सारे हैं, लेकिन आप पूछने वाले बनो कि आप कहां पर फंसे हो, तो मजा आएगा और वीडियोस में और लाता रहूंगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आप बच्चों का जो माइंड में वहम डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा अच्छा इस वीडियो को भी कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इधर उधर आप शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि फायदा अल्टीमेटली सभी को इस चीज का मिलने वाला है, ये आपको भी पता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि बहुत ज्यादा आपको शायद ये मेरा जो एक कह लो टारगेट था या मेरा जो एक पर्सनली मैंने दिल से आपके लिए ये सारा कुछ सेट किया है, ये आपको मजा आएगा देखकर, और मजे के साथ साथ आपको लगेगा कि हाँ अगर कोई बंदा मोटिवेट करने आया है तो वो हमारा सोल्यूशन लेकर आया, हाथ पकड़कर हमें बता रहा था। तो मेरी कोशिश ये थी कि सिर्फ मोटिवेट करके मजा नहीं आएगा, तो आप मुझे चार्ज करो, जितना लाइक करते शेयर करते हो करते रहो वीडियोस को, मैं चार्ज रहूंगा, मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स आइडियाज हैं। मैं एंड तक मतलब एक दिन की बात भी आ जाएगी ना कि एक दिन में कैसे करें, वो भी आपको 100 आइडिया बता दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ डीमोटिवेट होना तो दूर की बात है, अब तो अगर मैं मोटिवेटेड हूं तो 10 मेरे साथ बैठकर और मोटिवेटेड होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हाँ बाकी याद से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसमें शेयर करता रहता हूं। राइप क्लासेस मैं आपको दिखाई देता हूं कि राइप क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको खुद ही बोल देता हूं, बहुत ज्यादा बिजी रहता है, बच्चों के मैसेज कमेंट्स इतने ज्यादा आते हैं कि अभी रिप्लाई करना भी मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है क्योंकि हमने एनालाइजर जैसे निकाले थे उसके रिगार्डिंग बच्चों की क्वेरीज आती रहती है, किसने बाय किया है उसको कुछ पूछना है, तो ये सारी चीजें। तो इसलिए लेकिन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर जात से ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा आप सभी को बेस्ट विशेज हैं। मैं दिल से प्रे कर रहा हूं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, खास तौर पर जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं वो तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है, बस अब निकल जाए, ये ना सोचें कि अभी हमारे पास और अटेम्प्ट पड़ी है, जोर लगा दो, जान लगा दो, जो कर सकते हो कर लो, जो आपके दिमाग में आता है पूछना है पूछो, मैं आपके साथ उस चीज के लिए सोल्यूशन लेकर आऊंगा। तो आपका काम है हार्डवर्क करना, मेरा काम है सोचना, तो ये दोनों काम अपना अपना करते हैं, तो मिलकर चलते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू जी।